समलैंगिक विवाह को मंजूरी की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने ऐसी सभी 15 याचिकाओं का विरोध किया जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए अपने हलफनामे में कहा कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती, ये एक परिवार की भारतीय अवधारणा के खिलाफ है। भारत में फैमिली की अवधारणा पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों से होती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समान लिंग वाले लोगों के जीवन साथी के तौर पर रहने को भले ही अब डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, इसके बावजूद पति पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार की इकाई की अवधारणा के साथ इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा कि IPC की धारा 377 का डिक्रिमिनलाइजेशन किया जाना समान लिंग विवाह के लिए एक मान्यता हासिल करने के दावे को जन्म नहीं दे सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रकृति में विषम लैंगिक तक सीमित विवाह की वैधानिक मान्यता पूरे इतिहास में एक आदर्श है और राज्य के अस्तित्व और निरंतरता दोनों के लिए बुनियादी पहलू भी है। गांव को खारिज करने की मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समलैंगिक संबंध और विषम लैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग अलग वर्ग हैं जिनको किसी भी सूरत में एक समान नहीं माना जा सकता। केंद्र सरकार के जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि इसलिए इसके सामाजिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए विवाह के अन्य रूपों का बहिष्कार करना और केवल विषम लैंगिक विवाह को मान्यता देना राज्य का एक जरूरी हित है।